खंड एक, प्रदेश के कारागृहों में विगत दो वर्षों में कुल 27 बंदी कारागृह से फरार हुए हैं, जिनमें से 25 बंदियों को गिरफ्तार किया जा चुका है एवं दो बंदी वर्तमान में फरार चल रहे हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड दो, विगत दो वर्षों में कारागृह से फरार हुए बंदियों के संबंध में दोषी पाए गए अधिकारी कर्मचारियों व उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट बी पर संलग्न है। खंड तीन, कारागारों की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निम्न कदम उठाए गए हैं। जेलों की भारी सुरक्षा व्यवस्था हेतु आरएसी की एक बटालियन जेलों पर तैनात की गई है। प्रहरियों के 527 एवं 276 पदों पर भर्ती हेतु स्वीकृति जारी की गई है, जिसके संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। कारागारों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं। चार, कारागारों की भारी सुरक्षा हेतु 5 वॉच टावरों का निर्माण किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या ये सही है कि बंदी जेलों से फरार होते हैं उनका मुख्य कारण प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होना है? फलोदी जेल से 16 कैदी फरार हुए थे, उस समय 17 की क्षमता के विरुद्ध वहां 60 कैदी थे, तो यदि हाँ तो क्या प्रदेश की जेलों की क्षमता बढ़ाए जाने का विचार सरकार रखती है? यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? और दूसरा प्रश्न मेरा है कि जेलों में प्रहरियों की भर्ती प्रक्रिया धीन है, या आपने अपने खंड तीन में बताया है, तो ये कब तक भर्ती कर दी जाएगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भर्ती प्रक्रिया हमारे जो पदों की थोड़ी विसंगति है, इसकी वजह से थोड़ी अटकी हुई है और हमें उम्मीद है कि जल्दी हम इस वर्ष तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी कर देंगे। साथ के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा खुली जेल और नई बैरक और महिला बैरक अलग से बनाने की घोषणा की है और हमारी तीन जो इसके अंदर 20-20 की 8 घोषणा है, तो उसके अंदर भी हमारी संख्या बढ़ेगी और साथ के साथ 3 नई जेल जो शालावास दौसा हमारी शुरू हो गई है और अकलेरा की झालावाड़ की जो एकदम रेडी है, बहुत ही जल्दी हफ्ता 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर अंदर हम उसको शुरू कर रहे हैं और डूंगरपुर जेल का काम भी बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाला है। तो मैं समझता हूँ इससे इसके अंदर काफ़ी फर्क पड़ेगा। और कैदी तो आपके समय में भागे थे, हमारे समय में तो 8 वारदातें हुई, आपके समय में 11 हुई हैं। अगला प्रश्न, संजय शर्मा, प्रश्न संख्या 2।